विलाप गीत उसका तीसरा अध्याय 21, 22, 23, 24 ये चार पद हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। विलाप गीत तीसरा अध्याय उसका पहला पद, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने क्या किया है, उसकी छड़ी से दुख भोगा है। अब हम 21 वर्ष पढ़ेंगे, परंतु मुझे आशा है। निराशा में जब कोई रास्ता नहीं है तब भविष्यवक्ता यर्मिया कह रहा है परंतु मुझे फिर भी आशा है। इज़राइल ने गलती की, इज़राइल ने पाप किया और परमेश्वर ने उन्हें गुलामी में डाल दिया, वो खंडहर हो गया, परंतु उसकी दया खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसकी दया अमर है, युगान युग की है। जिसे उसने चुन लिया उसे वो आसानी से छोड़ता नहीं है। और हम बाइबल में देखते हैं फिर से परमेश्वर उन्हें वापस लेकर के आया, उसकी दया खत्म नहीं हुई। प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की दया हम पर क्या होती है, नई होती जाती है। हो सकता है कल हम गुनाह में थे, हो सकता है कल हमारा दिन खराब गया, हो सकता है कल हमारे साथ में गलत हुआ, परंतु आज नया दिन है और आज उसका अनुग्रह हमारे लिए नया है, उसकी दया हमारे लिए क्या है, नई है। चाहे कुछ भी मेरे जीवन में हुआ, चाहे मैं आज दुख भोग रहा हूं, चाहे मेरे पास आज कुछ नहीं है, तब भी यहोवा मेरा भाग है, मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा, क्योंकि हर एक दिन उसकी दया क्या होती है, नई होती है। चाहे वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, चाहे आज हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, चाहे हमारे जीवन में दुख आ जाए, चाहे हमारे जीवन में संकट आ जाए, चाहे हम परिस्थितियों से घिर जाएं, परेशानियों के बीच में आ जाए, तो भी यर्मिया भविष्यवक्ता की तरह अपनी आशा को प्रभु पर बनाए रखे, क्योंकि उस की दया हमारे लिए हर एक दिन नई है। और तब भविष्यवक्ता यर्मिया इस बात पे भरोसा रखता है कि हर एक दिन उसकी दया क्या है, नई है मेरे लिए। मैं भरोसा रखूंगा उस पर, मैं उस पर आशा बनाए रखूंगा कि एक दिन वो मेरे लोगों को वापस लेके आएगा, एक सुबह वो मेरे जीवन में खुशी की लेकर के आएगा। यर्मिया भविष्यवक्ता ये आशा बनाए हुए है कि आज मैं रो रहा हूं, आज मैं विलाप कर रहा हूं, लेकिन एक दिन मेरे जीवन में क्या आएंगी, खुशियां आएंगी, एक दिन मेरे परमेश्वर का शहर फिर से स्थापित होगा। वो ऐसी आशा परमेश्वर पे बनाए हुए है, क्यों, क्योंकि उसे पता चल गया कि हर दिन हर सुबह उसकी दया हमारे लिए क्या है, नई है, उसकी दया अमर है, उसकी दया कभी मरती नहीं, जिसे उसने चुन लिया उसे वो कभी छोड़ता नहीं। तो दोस्तों, चाहे हमारे जीवन में कोई भी संकट आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कैसी भी परिस्थिति में हम हों, परंतु इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि उसकी दया हर भोर हर सुबह हमारे लिए नई है। आज हमें रोना पड़ रहा होगा, लेकिन कल हम खुशियां मनाएंगे। ये विश्वास उस पर रखें। भविष्यवक्ता यर्मिया की तरह बोले, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पर आशा बनाए रखूंगा, मैं अपनी आशा को टूटने नहीं दूंगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, चाहे प्रार्थना का उत्तर आने में कितना भी टाइम लग जाए, मैं अपनी आशा को टूटने नहीं दूंगा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु। सच में प्रभु, आज तेरी दया हमारे लिए नई है प्रभु, हर दिन प्रभु तेरी दया हमारे लिए नई होती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। हो सकता है आज हम रो रहे हों प्रभु, परंतु कल हम खुशियां मनाएंगे प्रभु, क्योंकि तेरी दया हमारे लिए प्रतिभोर नहीं है प्रभु। तो हमारा भाग है प्रभु यीशु, हम तुझ पर आशा लगाए रहेंगे, चाहे हम कितने भी दुख में हों, कितने भी परेशानियों में हों, कितने भी विपत्तियों में, कितने भी संकट में हों, परंतु हमारी आशा न टूटेगी, हम तुझ पर विश्वास बनाए रखेंगे, तुझ पर भरोसा लगाए रहेंगे, तुझ पर आशा लगाए रखेंगे, क्योंकि तेरी दया हमारे लिए प्रतिभोर नई होती है प्रभु। हम जिंदा है प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु,
और तेरी दया हम पर है प्रभु, तूने हमें छोड़ा नहीं है। तूने जिसे चुन लिया तो उसे कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि तेरी दया अमर है जो कभी मरती नहीं है। प्रभु हम आज सुबह में आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और जो सब इसको सुन रहे हैं प्रभु उनके हृदयों में ये जड़ पकड़े और बहुत सारा फल लेके आए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।